अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आपको बताऊंगी, लाइक 1 मार्क में कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए कौन से इम्पोर्टेंट है, एंड एमसीक्यूज में से किस टाइप के आ सकते हैं, ठीक है? तो हम वो देख के कर सकते हैं. सो लेट मी जस्ट टेल यू, होल्ड ऑन. Shall I dictate you the questions? Yes, ma'am. Okay. That's fine. Okay, so for 1 mark question, they might ask you suggest a food chain in which one of the trophic levels is occupied by human beings. Is occupied by human beings. Just a second, hold on. I am just writing. I have written a few questions, and I was doing some more. Just hold on. 1 mark ke to maine likh diye the. Then for question 2, I was doing. जनरली इसमें से ज्यादा ऐसा कुछ आता नहीं है, लेकिन जो आता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर भी है आर एनवायरनमेंट हमारा. MCQs भी मैं सोच रही हूँ दे ही देती हूँ. Okay, let me just share my screen. Yeah. So can have a look over the questions. Okay, class 10. Yes.
We will be doing all these answers right in the class today. We will be discussing all of them. The first 9 questions carry 1 mark each. They are all 1 mark questions. Draw the conclusion for if all the herbivores are removed from the grassland. So here grasslands are referred to as the producers. Basically grasslands mein hamare plants hi hote hain, right? So yahan par hamara yahi baat puchi gayi hai, don't get confused ki grasslands kya hoga, humne to padha hi grassland. So it's all about the producers, okay? So basically they are asking ki producers agar hum hata de apne ek trophic level se, theek hai, और हर्बीवोर्स रिमूव कर दिए जाए वहां से, ठीक है, हर्बीवोर्स को हमने रिमूव कर दिया उस प्लांट के एरिया से, तो क्या होगा उस ग्रासलैंड से? अब जो ग्रासलैंड वाला एरिया होता है ना, उसके अंदर एक तो वो जो बुशेस वगैरह होती हैं वो वाइल्डली ग्रो करती हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हो जाएंगी एंड इट माइट क्रिएट ऑब्स्टिकल्स, ठीक है. तो इसके अंदर आपको वही लिखना है कि उसके ऊपर कोई फीड नहीं कर पाएगा, प्रोड्यूसर्स बढ़ते जाएंगे, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने लगेगा उस एरिया में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा. सो हमारा एनवायरनमेंट में जो कंपोनेंट्स हैं एयर के अंदर वो हमारे डिसबैलेंस हो जाएंगे. देन थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट फाइंड आउट द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज लाइकली टू हैव मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स इन इट्स बॉडी. अब आपको ये एक फूड चेन दे दी है, ठीक है, जैसे कि ग्रास है, ग्रास हॉपर उसके ऊपर आया, देन फ्रॉग, देन स्नेक एंड देन हॉक. हॉक इज एन कार्निवोर एनिमल. तो अब ये बताओ कि आपको ये बताने के मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, जो हमने बायो मैग्निफिकेशन में पढ़ा था ना कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, तो वो किसमें सबसे ज्यादा हो जाएगी? हम क्या कहते हैं कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता रहता है वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल्स बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा किसमें होगी? स्नेक एंड हॉक में, राइट. Then question number 4 is propose a way to dispose of vegetable peels so that environment is not polluted. आप किस तरीके से अपना vegetable peel वगैरह को आप dispose कर सकते हो in such a way that environment is not being polluted. So what we can take is compost bin. Very good. Then next question, in an ecosystem rat feeds on grain, name the trophic level to which rats belong. Now what is happening here is rat जो है वो grains के ऊपर feed कर रहा है. तो आपको ये बताना है कि आइडेंटिफाई करके जो रैट है वो कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आएगा, प्रोड्यूसर्स पे आएगा, प्राइमरी पे आएगा, सेकेंडरी पे आएगा कि टर्शरी पे आएगा? प्राइमरी. वेरी गुड, बिकॉज इट इज डायरेक्टली टेकिंग द प्लांट प्रोडक्ट. नेम टू केमिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर. आई हैव गिवन यू कौन कौन से हमारे केमिकल्स थे, राइट, सीएफसीज वगैरह, क्लोरीन, राइट. तो ये सारे हमारे केमिकल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है थिनिंग ऑफ ओजोन में. देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर. ठीक है, एक दो लाइन में इसको डिस्क्राइब कर देना, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, राइट. देन लिस्ट टू ह्यूमन मेड इकोसिस्टम. एज आई हैव टोल्ड यू, बायो रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, दीज आर ऑल आर्टिफिशियल ह्यूमन इकोसिस्टम्स. Yes, aquariums, very good. A good example which we can see even at our homes, which is a water ecosystem, right? Aquatic ecosystem. Then question number 9, name two gases which have replaced CFCs. Ab CFCs ko kaun kaun si cheezon ne replace kar diya? Hamari methane ne replace kar diya natural gas ne and biogas, right? So these were 1 mark questions which are important from the point of view of this. And these are some questions for 2 mark. You'll be sending these. You'll be sending these. Sorry. You will be sending these. No, no. You are free to send any time. Okay. You have the entire next week. You can do it any time. 2 mark.
mark questions. I am just discussing it with you. It's better if you do it right now in the class so that you won't be taking an extra time to do that. And Asta, have you just checked my mail? Yes, ma'am. So, did you change that question number 8? You added something to it? Like, they just not asked the type of but reaction, but at the same time, they were asking you to write a balanced chemical. Sorry? Okay. So, if you have any doubt, you can ask me regarding that question. I am here. And if you want, I can give you time to note down these. Okay. You can just note it down somewhere so that it will be easier for you. Okay. Because already you are taking online classes for your school, I don't want to increase your screen timing. Okay. Yes. So you can note it down in the classroom only. Okay. Thank you.
Asta, any doubt here? Sorry, I have to mute myself because I was just charging up my laptop. Okay. This much is done, right? Or you need five? Just a minute. Okay. So all of the questions are clear to you now. These nine questions, yeah. So I will suggest you to make a separate copy for this class because it will help you in your exams. Like at one place you will be having all the questions and all the notes, right? So try to avoid making notes of some subject or some of the other subject because that will scatter the things. Okay, so now we will be discussing 2-mark questions. And here are these. Okay, number one, aquarium needs to be cleaned once in a while, whereas ponds or lakes do not require any cleaning. Explain. Can you explain me the reason why we need to clean the aquarium and we do not need to clean the ponds or the rivers or the lakes? Why is it? It's an artificial ecosystem, so we need to maintain it. Okay. And what about lakes, ponds, and why do we don't generally clean them? What's the reason behind that? The nature makes it up itself. You can say that the natural cleaners of the environment are the microorganisms or some or the other organisms themselves, right? They are acting as the cleaning agents of the environment. So they are themselves cleaning the surrounding naturally. But here in the aquarium, as it is all the artificial ecosystem is there, so we need to clean it ourselves, okay? Because we are the only cleaning agents at that time. Is that fine? So जो cleaning agents हैं वो हमारे environment में already present हैं, so we do not need to clean the pond or we do not need to clean the lakes. Then question number two is accumulation of harmful chemicals in our bodies can be avoided. Explain how it can be achieved. हम अपनी body में किस तरीके से chemicals accumulate ना हो उसको हम किस तरीके से prevent कर सकते हैं? अक्यूमुलेशन कैसे हो रही है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से हो रही है ना? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कैसे हो रहा है? एक ट्रॉफिक लेवल में अगर हमारे पास केमिकल कंटेंट ज्यादा है
और उसको दूसरे ने खा लिया तो दूसरे के अंदर भी केमिकल आ गया। तो अगर हम कुछ ऐसे मेथड्स को ऑप्ट करें, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है जिसमें आप फ्री ऑफ केमिकल्स हर चीज कर रहे हो, राइट, तो उससे क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा यानी कि जो हमारा प्रोड्यूसर है दैट इज फ्री ऑफ केमिकल्स, दैट इज कम्प्लीटली ऑर्गेनिक। तो जो अक्यूमुलेशन है केमिकल्स की वो हर ट्रॉफिक लेवल में पास ऑन नहीं होगी। दिस इज द ओनली वे टू गो ग्रीनर, टू गो ऑर्गेनिक, राइट। तो इसी से हमारी अवॉइड हो सकती है accumulation of chemicals. Then question number 3 is what will happen if all the deers are removed in the given food chain. ye ek food chain de di, plants ko khaya deers ne, deers ko khaya tigers ne. agar aisa ho ki deers jo hain wo khatam hi ho jaye to plants aur tigers bache to kya hoga bataiye. सबसे पहला पॉइंट इसमें ये हो जाएगा, as tigers are the carnivores, they are the tertiary or the secondary consumers, right? If deers are not there, then on whom these tigers are going to feed? The tigers will not find the food and hence they will die. Deers are not there, tigers are not there, plants are there. When there is no organism here in this food chain, so how can a plant survive? Because plants take in carbon dioxide during the process of photosynthesis, right? And these deers and tigers are what doing? They are returning the carbon dioxide to them, and in return, plants are giving them the oxygen, right? So the photosynthesis will not occur and the entire food chain will be destroyed or vanished. राइट right? तो अगर हम एक भी ट्रॉफिक लेवल पे से कुछ भी चीज हटा देते हैं ना, तो वो तीनों पे यानी कि जितनी भी बड़ी फूड चेन है वो हर किसी पे इफेक्ट करेगा। जैसे प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही, टाइगर्स जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, उनके पास खाना ही नहीं होगा बिकॉज दे डू नॉट फीड ऑन प्लांट्स, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट दिस आंसर, यू हैव टू गिव द पॉइंट फ्रॉम द टाइगर्स पर्सपेक्टिव एंड अदर वन दी फ्रॉम द प्लांट्स पर्सपेक्टिव, ठीक है, कि किस तरीके से डियर का ना होना प्रोड्यूसर पे और कंज्यूमर पे अफेक्ट कर रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इन द हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर गिविंग रेलेवेंट केमिकल इक्वेशंस। आई हैव गिवन यू द केमिकल इक्वेशंस, राइट, एंड दिस O3 प्लस Cl व्हिच इज गिविंग अ highly poisonous compound. तो आपको वो देना है कि होता क्या है, किस तरीके से बनती है हमारी। Then question number 5, there is a need to dispose waste in proper manner, justify the statement giving reasons. अब आपको ये बताना है कि हम जो dispose कर रहे हैं अपना waste उसको proper manner में क्यों करना है, क्योंकि सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे, बायोडिग्रेडेबल है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, राइट, रिसाइकल हो सकता है कि रीयूज हो सकता है, राइट, किस तरीके से हम उसको और जगह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, हमें एनवायरमेंट में वेस्ट मैनेज करने में मदद मिलती है। तो आपको पूरा बताना है, एक्सप्लेन करना है ये किस तरीके से हो सकता है वेस्ट, हम क्यों वेस्ट को मैनेज करने की जरूरत है, क्यों हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्पोजल प्रॉपर मैनर में हो, कोई हार्मफुल चीज हमारे एनवायरमेंट में खुली ना रहे, हमें गार्बेज ओपन में नहीं डालना चाहिए। देन सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट द ट्रॉफिक लेवल्स इन इट। दिस इज वेरी वेरी इजी बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन ट्रॉफिक लेवल्स को एक्सप्लेन करना है और उसका कोई भी एक फूड चेन लेकर बताना है कि कौन सा ट्रॉफिक लेवल पे है। अगर प्लांट्स डियर और टाइगर वाली फूड चेन आपने ली है तो प्लांट्स प्रोड्यूसर हैं और आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन हैं, डियर्स, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन हैं, आपके टाइगर्स। देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रोल ऑफ डीकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, अभी बताया डीकम्पोजर्स का क्या क्या रोल होता है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है इसमें। ये तो मैंने आपको कराया ही था क्वेश्चन, गिवन इन टू वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट, राइट, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं।
गिव एनी टू वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसका हार्मफुल इफेक्ट बताना है आपको. देन टू प्रोटेक्ट द फूड प्लांट्स फ्रॉम इंसेक्ट एंड इंसेक्टिसाइड्स वर स्प्रेड इन स्मॉल अमाउंट बट इट वॉज डिटेक्टेड इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इन ह्यूमन बींग्स. हाउ डिड इट हैपन अगेन? या बायोमैग्निफिकेशन अगेन द सेम क्वेश्चन बट इन द अदर फॉर्म. Then what are the problems caused by non-biodegradable waste that we generate? क्या क्या problems create हो सकती हैं, कौन कौन सी problems होती हैं हमें जब हम non-biodegradable waste को generate करते हैं, right? तो इसमें वो लिखना है. Then what will happen if we kill the organism in one trophic level? Same questions are asked but in a different way. The format is changed and the way of answering is changed. Then what is biological magnification? Will the levels of the magnification be different at different ecosystem? Kya har magnification ka jo level hai wo har ecosystem mein alag hoga? Yes, obviously it will change. If all the waste we generate is biodegradable, will this have no impact on the environment? Agar sara waste jo generate ho raha hai wo biodegradable hai to kya uska environment pe koi impact nahi padega? Yes or no? It will impact, definitely it is going to impact, right? अब decomposers हैं, वो अब ऐसे थोड़ी हैं कि वो generate होते चले जाएंगे. No, they are also in a limited amount, है ना? उनका भी certain amount है, वो भी अगर exceed कर जाएंगे, population उनकी बढ़ जाएगी, तो ecosystem disturb नहीं होगा. या फिर आप over nutrition आप कह सकते हो, soil के अंदर fertility over हो जाएगी, हर चीज का कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली हर चीज का एक्सेस बुरा ही है. बट ये है नॉट इन अ नेगेटिव वे दे आर गोइंग टू हार्म, बट समवेयर सम व्हाट लिटिल बिट यू कैन से दे विल हैव एन इंपैक्ट. देन हियर आर सम एमसीक्यूज, नाउ यू हैव टू आंसर ऑल दीज एमसीक्यूज. ओके, जस्ट नोट डाउन दीज क्वेश्चंस फर्स्ट, दीज क्वेश्चन टू मार्क क्वेश्चंस. That we will move to the further MCQs. Thank you.
हेलो यस आस्था I don't know why from the past few days this laptop is not causing me a trouble. You want to ask a question, right? Okay, just want to scroll down. Okay, I heard that you want to ask a question as well. So I just thought, okay, just let me ask. This phone is causing, this laptop is causing me a lot of trouble. It's hanging a lot. I don't know why.
Asa, shall we discuss these MCQs now? If you are done with this. Okay. Just take 5 minutes more and then we will start. This will help you out in the exams definitely, and these MCQs will also help you. MCQs, you're not supposed to note down the MCQs. We will just do this thing orally. Okay. So now the first MCQ is disposable plastic plates should not be used because. So here are certain reasons why disposable plastic plates should not be used. Number one, they are made of materials with lightweight. They are made of toxic. They are made up of biodegradable materials. They are made up of non-biodegradable materials. You means to say option D, right? Yes. Okay, let's highlight your answer. Disposable plastic plates. Yes, disposable plastic plates, yes, should not be used because. क्यों use नहीं करनी चाहिए? They are made. आपने ये बोला है ना option D. Yes. Okay, let's highlight. Then we will check the answers. Okay. Okay. Then question two is, in the following group materials, which group contain non-biodegradable items? अब किस group में non-biodegradable हैं? ठीक है, groups भी हो सकते हैं. तो आप देखो, wood, paper, leather, polythene, detergent, PVC, plastic, detergent, grass, plastic, bakelite, DDT. तो option is third, fourth, one, second and fourth and one and third. Second and second and fourth. Okay. Option C. Then question number three is, which group of organisms are not constituents of a food chain? Number one, grass, lion, rabbit, wolf, plankton are basically small plants. Okay. Man, fish, grasshopper, wolf, grass, snake, and tiger. Then frog, snake, eagle, grass, grasshopper. So here are your options. Which group of organisms are not constituents of a food chain? Ab aapko batane hain. So one and three. Then second, then third and fourth, second and third, then one and fourth. No, I did not get this question. You want to? No, I did not get this question. You didn't get the question. Okay. So which group of organisms? ऐसे कौन से organisms हैं जो कि एक part नहीं है food chain का? Okay. मतलब वो basically एक proper food chain के अंदर नहीं आते एक साथ. जैसे कि ग्रास है, लायन है, रैबिट है, वुल्फ है, प्लैंकटन, मैन, फिश, ग्रास हॉपर, वुल्फ, ग्रास, स्नेक एंड टाइगर, देन फ्रॉग, स्नेक, ईगल, ग्रास हॉपर एंड ग्रास. तो आपको बताना है इनमें से कोई ऐसी दो फूड चेन्स हैं जो गलत है. यू कैन हैव अ लुक carefully कि कौन सा producer है. Okay, you are saying this option, right? This second one and the fourth one, the third one. I'm unable to understand what you're saying. Option C. Option C, okay. Option, oh God. Options. Okay. Then question number four is, excessive exposure of humans to UV rays results in
damage of immune system, damage to lungs, skin cancer, peptic ulcers. You can have a look on the options. C. C? That is skin cancer and peptic ulcer. Okay. Then question number 5. Depletion of ozone is... Okay, just a second. Okay. So depletion of ozone is mainly due to... So what are the reasons for the depletion of the ozone layer? Pesticides, carbon monoxide, methane, chlorofluorocarbons. Okay. Let's mark this. Chlorofluorocarbon compounds. What is the percentage of solar energy which is trapped and utilized by the plants? You have to tell the percentage. What percentage of solar energy is trapped and utilized by the plants? 1%. 1%. This option? Yes, ma'am. Okay. Which of these is not natural ecosystem? Gardens, aquariums, ponds, and lakes. Okay. Then question number 8. The decomposers in an ecosystem. Convert inorganic material to simple form. Convert organic material to inorganic forms. Convert inorganic materials into organic. And do not break down organic compounds. डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? वेरी सिंपल. डिकम्पोजर्स ऑब्वियसली ऑर्गेनिक चीजों पे अटैक करेंगे ना, ऑर्गेनिक पे फीड करेंगे. सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक ओवर द ऑप्शंस अगेन नाउ. Which option do you think is correct? B. Okay. Let's mark the B. Then next is, if a grasshopper is eaten by a frog, then the energy transfer will be from producer to decomposer, producer to primary consumer to secondary, then secondary to primary. Still primary to secondary. Okay. Then question number 9. Flow of energy in an ecosystem is always unidirectional, bidirectional, multidirectional, no specific. Unidirectional. Okay, unidirectional. Let's mark. Okay, then these are the answers. Okay, then let's check. Let me just. Okay, let's see. D, C, C, D, D. D, C, C, D, D. D, C, C. This one. One and three. Damage to immune system and no, it should not be this thing. I think question number 4 ka C hi hona chahiye, right? Sorry? What are you saying? Peptic ulcers क्या होते हैं? छाले वगैरह जो हो जाते हैं ना, उस टाइप के, मतलब अजीब से ही होते हैं. I will show you the picture of the peptic ulcers. मैम क्लास स्टार्ट हो गई? आलिया, you have to wait for your class just 5 minutes and after 5 minutes I will start your class. Okay. Fourth का D है. Anyhow, immune system पे किस तरीके से affect कर रहे हैं? I don't think that option is correct, but that's okay. We can mark it. And question number 5, D A.
ये नहीं पहले बोल दो मैम टी ए राइट देन क्वेश्चन 7 इज फाइन क्वेश्चन 7 इज ओके देन क्वेश्चन 8 इज ओके क्वेश्चन 9 इज ओके एंड क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 9 इज फाइन ओके क्वेश्चन 10 इज नॉट हियर आई हैव नॉट रिटन एनी ऑल द आंसर्स आर करेक्ट ओके वेरी गुड एंड दिस इज हियर वी एंड अप विद द वर्कशीट वी एंड सो वी हैव डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर राइट हैव वी डिस्कस्ड ओके दैट्स कूल दैट केमिस्ट्री के भी हो गए हैं हमारे बायो के भी हो गए हैं नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद केमिस्ट्री अब मुझे ये बताओ सॉरी फिजिक्स अभी बताओ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बाद विच चैप्टर यू वांट मी टू टेक Thank you. Hmm?